गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को सिंटैक्स की कुछ प्रॉब्लम हम बताने चल रहे हैं। जो प्रॉब्लम स्टूडेंट के द्वारा पूछी गई है कि इसमें किस प्रकार से हम रिफॉर्म कर सकते हैं या किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। ये सिंटैक्स बेसिकली बेस्ड है आपका एडजेक्टिव पर। तो अब चूंकि सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस करेक्ट करना, और सेंटेंस करेक्शन में देखिए हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा फ्यू रिमार्क्स। लिखा गया फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, दैट ही मेड वर वेरी वेरी सजेस्टिव। वेरी सजेस्टिव आपको मान लीजिए हमने एक सेंटेंस दिया और ये सेंटेंस आपको क्या करना है, करेक्ट करने हैं। लिखा गया फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, फुल स्टॉप लगाएगा। अब देखिए अगर हम देखते हैं तो इतना हमारा क्या बनता है, नाउन क्लास के रूप में यूज किया गया फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, और इसके बाद देखिए इसके सब्जेक्ट के रूप में इधर यूज कर लिया गया। चलिए ठीक है, हम कहते हैं अगर हम जाते हैं सिंटैक्स में कि हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। लेकिन यहां पर देखिए फ्यू लिखा गया, फ्यू हमारा क्या शो करता है, पहली बात तो नंबर शो करता है और रिमार्क्स नंबर में होता है, ये क्लियर है आपका, इसका मतलब यहां पर फ्यू सही है। लेकिन फ्यू क्या होता है ना, निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है, निगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब कोई रिमार्क नहीं लगाया गया है। अगर कोई रिमार्क नहीं लगाया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सजेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि यहां पर हम सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अफ्यो का। तो इसका क्या होगा, अफ्यो रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। अब यहां पर द फ्यू रिमार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर द फ्यू कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा पूरी तरह से जो सेंटेंस है या जो हमारी आर्टिकल है पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हम किसका प्रयोग किए, अफ्यो। अफ्यो का मतलब होता है जो हमने आर्टिकल लिखा उसका 33% अप्रोक्सीमेट और 25% हमारा क्या है, मिस्टेक है, और उसका जो सजेशन दिया गया वो क्या है, अच्छा था। दूसरा सेंटेंस लिखा गया हमारा द एयर इन द हिल्स, द एयर इन द हिल्स इज कूलर देन, कूलर देन द लो लैंड्स, द लो लैंड्स। अब क्लियर हो गया, आपका एक सेंटेंस हमने लिखा द एयर इन द हिल्स इज कोल्डर देन द लो हिल्स। यहां पर जो हमारा एडजेक्टिव का रूल काम करता है इसको ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन जो होती है वो हमेशा सेम थिंग में होती है, कभी भी अलग अलग थिंग्स में कंपैरिजन नहीं की जाती। अब देखिए हमने लिखा द एयर इन द हिल्स, मतलब जो पहाड़ियों की हवाएं हैं वो क्या होती हैं, कूलर ठंडी होती हैं देन द लोज लैंड्स। ठीक है, लो लैंड्स है जो निचले भूभाग होता है उसकी अपेक्षा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर भूभाग है, यहां पर क्या है, एयर है, यहां पर एयर है, यहां पर क्या है, भूभाग है। अब इसका मतलब इसको हमको करेक्ट करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हम इस रूप से लिखते हैं द एयर इन द हिल्स इज कूलर देन द एयर, ठीक है, इन द लो लैंड्स। अब आपका एक सेंटेंस हमने ये लिख दिया। चलिए अब इसका करेक्ट कर दिया, अब समान चीजें हो गई, यहां पर एयर हो गया, यहां पर एयर हो गया, दोनों का कंपैरिजन कर दिया गया। लेकिन अब भी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, अगर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जाते हैं ना, किसी चीज का रिपीटेशन हमारा क्या मान लिया जाता है, गलत मान लिया जाता है, यहां पर भी एयर है, यहां पर भी एयर है, तो हम क्या करते हैं, इस एयर से निजात पाने के लिए जहां पर हम एक प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हमने मान लीजिए इसका करेक्ट लिखा, यहां पर यहां से चलते हैं द एयर इन द हिल्स इज कूलर देन, अब देन के बाद हम यहां पर दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं।
अगर सिंगुलर रहता है दैट आपका प्रयोग करते हैं, प्लूरल रहता है तो दोज आपका प्रयोग करते हैं, देन दैट ऑफ, ठीक है, इन द, अच्छा देन, हाँ देन दैट ऑफ इन द लो लैंड्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, देन दैट ऑफ का मतलब वो हवा जो कहां पर है, लो लैंड से है, उसकी अपेक्षा यहां की हवा क्या है, सर्द है। अब समझ में आ गया, इसका मतलब हम द एयर के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, मतलब देन दैट ऑफ, दैट ऑफ मतलब वो हवा जो कहां की है, लो लैंड्स की है। इसलिए इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द एयर इन द हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ इन द लो लैंड्स, क्लियर। चलिए तीसरा सेंटेंस है, माई आर रिसोर्सेस, माई आर रिसोर्सेस आर नाउ एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड आपका यह सेंटेंस आ गया, माई आर रिसोर्सेस आर नाउ एडजस्टेड। क्या होता है, कभी कभी हम अरेंजमेंट में भी एडजेक्टिव के मिस्टेक कर जाते हैं। अब अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, यहां पर माई आल रिसोर्सेस लिखा है ना, इसका अरेंजमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम आल लगाएंगे फिर माई लगाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि आल अब यहां पर डिटरमाइनर का काम कर रहा है, माई भी डिटरमाइनर का काम कर रहा है, लेकिन अब माई को हम एडजेक्टिव बना लेंगे, आल को डिटरमाइनर बना लेंगे, यहां पर क्या हो गया, आल माई रिसोर्सेस आर नाउ एग्जस्टेड, आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तब कभी कभी क्या होता है, हमको एडजेक्टिव मतलब डिटरमाइनर और जो एडजेक्टिव होता है मतलब ये दोनों मिलकर क्वालिफायर का काम करते हैं ना, दोनों के अरेंजमेंट को हमको सही करने की जरूरत पड़ती है। तो हम जैसे जैसे पढ़ते हैं वो हमको चीजें पता होती जाती है या क्लियर होती जाती है। अगला सेंटेंस लिखा गया, ही फेल्ट सेफ, ही फेल्ट सेफ, ठीक। अब एक सेंटेंस लिखा गया ही के साथ फेल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट टेंस बन गया। यहां पर सेम लिखा गया ना, सेम क्या है हमारा ना, नाउन के रूप में वर्क करता है, किसके रूप में, नाउन के रूप में वर्क करता है, जबकि यहां हमको एडजेक्टिव की जरूरत है। उसने कैसा महसूस किया, अपने को शर्मिंदा महसूस किया, तो शर्मिंदा के लिए हम सेम फुल का प्रयोग करते हैं, यहां पर आपका हो जाएगा सेम फुल। तो अब यहां सेम के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सेम फुल का, आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, ही फेल्ट सेम फुल, क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज आपकी आती हैं एग्जामिनेशन में, आप उसको क्या करिए, सॉल्व करिएगा, या आपके जो एक्सरसाइज में बुक में दिया गया है उसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।